बीच में एक आदमी से बात कर रहा था और वो बहुत बीमार हो गया था, काफी टाइम बीमार रहा। तो उससे बात करते उसने कहा कि भाई मुझे प्रभु ने एक समय दिया, मैं बिस्तर पे पड़े पड़े प्रभु के करीब चला, प्रभु के करीब चला, मैं प्रभु को नजदीक तरह से मैं जान पाया इतने दिनों में, जितने दिनों मैंने अभी तक जाना नहीं था मैंने जाना। बीच में एक जवान से बात किया, वो जवान को मसीही सेवकाई की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था, जेल में चला गया था, उसे कई महीने जेल में रखा। उसने कहा कि जेल में हमसे काम करवाया जाता था, बहुत काम करते थे, और जब उसने कहा कि जब मैं साफ सफाई का काम कर रहा था तो जेल में मुझे एक नया नियम मिला। वो जवान लड़के ने कहा जेल में मुझे एक नया नियम मिला और वो उसने मुझे वो सामर्थ दिया। मैं उतना वचन कभी नहीं पढ़ता था, उतना बाइबल कभी नहीं जानता था, उतना चीजें कभी करता नहीं था, जेल में नया नियम दिया और नया नियम के माध्यम से मैंने प्रभु का वचन महीनों महीने पढ़ पढ़ के समाप्त कर लिया, जान लिया, और मैंने प्रभु के उन उत्तम भेदों को, उत्तम सेवा को, उत्तम कामों को मैंने सिर्फ जेल के दौरान देखा। मेरे प्यारो, ये नकारात्मक समय को उन्होंने सकारात्मक समय में बदल डाला। कई सारे लोगों ने सकारात्मक भूमिका देखी, प्रभु ने मुझे समय दिया है समय जीने का। मुझे बीच में एक बंदे ने फोन करके पूछा कि भाई, बहुत ही बड़ा इंसान सेवक है, बहुत बड़ा इंसान है, उन्होंने पूछा कि भाई कैसे चल रहा है आपका। मैंने कहा ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा फाइनेंशियली कैसे चल रहा है वो बताओ। मैंने कहा फाइनेंशियली भी ठीक चल रहा है। नहीं, अभी तो सब कुछ बंद है, आपके सेमिनार्स बंद है, बाहर जाना बंद है, ये काम वो काम सब बंद है, तो चल कैसे रहा। मैंने इनको एक शब्द में समझा एक बात, मैंने कहा देखो भैया, हमने पूरा टाइम एक वचन सिखाया लोगों को कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। मैंने कहा ये जो वचन मैं सिखाता रहा, प्रभु ने मुझे इन लॉकडाउन के दौरान ये वचन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रूप से, पर्सनल रूप से प्रभु ने मुझे सिखाया कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से कैसा जिंदा रहता है। वो आदमी बहुत खुश हो गया और कहा कि ये गवाही सुन के मैं, बोले मैं बहुत खुश हो गया। जी हाँ, इस समय को, नकारात्मक समय को क्यों ना हम सकारात्मक समय में बदले। हमें ईशु में जड़ पकड़ना है, कहीं पर भी जड़ में पकड़ना है। चलेगा, अगर कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमसे बात नहीं करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारा हालचाल नहीं पूछेगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईशु वो नहीं छूटना चाहिए। सब छूटेगा चलेगा, ईशु नहीं छूटना चाहिए। ईशु है तो हमारा अस्तित्व है मेरे प्यारो, हम मसीह में है। ईशु नहीं तो हम कुछ नहीं है, और हम भूल जाते कि मुझे सबसे ज्यादा परिश्रम, सबसे ज्यादा मेहनत जिस काम में करना है वो ईशु मसीह में अपने आप को मजबूत करने के लिए करना है, जिसे हमने पढ़ा कि उसी में जड़ पकड़ते रहो। कभी कभी प्रॉब्लम होता है लोगों के जीवन में, और प्रॉब्लम ये होता है कि फल अगर नहीं दे पाए तो क्या होगा उनके साथ में, क्योंकि जड़ पकड़ेंगे। हमने हमने, हमने पढ़ा अभी, जमीन के नीचे जड़ पकड़ी जाएंगी, जड़ पक्की रहेगी तो ऊपर फलेगा फूलेगा। लेकिन क्या होगा ऐसा कि जब जड़ पकड़ी नहीं जाएगी तो क्या होगा, जब जड़ पकड़ी नहीं जाएंगी तो हम फल नहीं दे पाएंगे, और फल नहीं दे पाएंगे तो वचन ये भी बोलता है कि कांटा जाएगा, कांटा जाएगा। मेरे प्यारो, प्रभु ने हमसे बहुत प्यार किया है, कीमत चुकाई है हमारे लिए, काटे जाके फेंकने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है अपने भंडार में, अपने खत्तों में हमारे, हमें वो जमा करे। मत्ती उसका तीसरा अध्याय और 10वां वचन इस प्रकार कहता है, मत्ती अध्याय 3 और वचन 10 इस प्रकार कहता है, तीन दस ऐसा कहता है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा है, जड़ की बात करें, जड़ों पर रखा है कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा जिससे वो लकड़ियां काटी जाती है, जड़ों पर रखा है। क्यों रखा है, क्यों रखा है? दरअसल पेड़ कैसे काटते, कैसा है, जड़ से नहीं काटा जाता है, डालियों से पेड़ों को काटा जाता है, डालियों से, जड़ काटना पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार। तो ये यहां लिखा है जड़ पे रखा है पेड़, इसलिए कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह कांटा और आग में झोंका जाता है। कहां रखा है कुल्हाड़ा, कहां रखा है कुल्हाड़ा, जड़ पे रखा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है। अगर ये फल देने में अयोग्य रहा, फल नहीं दे पाया, तो इसे काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, जड़ काट डाली जाएगी अगर फल ना दे तो। मेरे प्यारे प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, उम्मीद करता है कि हमारे लाइफ में फल आए।
हमारे जीवन में फल आए। आपको पता है एक उदाहरण बाइबल में है, वो अंजीर के पेड़ का उदाहरण बाइबल में है, है ना, अंजीर के जो लुका 13 में हमें मिलता है, दिस वीडियो लुका 13 में मिलता है कि अंगूर की बारी में, लुका 13 उसके 6 से लेके जब आप 9 तक पढ़ोगे, आराम से पढ़ लेना, मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूं कि वहां पर एक उदाहरण बताया गया है कि किसी ने अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही पर है कि अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़ क्यों लगाया। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मौका मिला अंजीर के बगीचे में घूमने का या फिर अंगूर के बगीचे में घूमने का। मुझे मौका मिला था अंगूर के बगीचे में घूमने का। महाराष्ट्र में नासिक पुणे साइड में अंगूर की खेतियां होती है और अंगूर को उसके वेल होते हैं और उसको सपोर्ट बांस से सपोर्ट के दिया जाता है, एक मंडप बनाया जाता है और बहुत बड़े बड़े गुच्छे अंगूर के उसको लगते हैं। मुझे मौका मिला कि उसके मैं वहां जाऊं, देखूं, खाऊं, पीऊं। सो यहां मैंने एक नोटिस किया था कि अंगूर के बगीचे को उगाने के लिए एक अलग प्रकार की जमीन की जरूरत होती है, वातावरण की जरूरत होती है, और अंजीर के लिए उससे विपरीत जमीन की जरूरत होती है। जो अंगूर के लिए जो वातावरण और जमीन चाहिए, उससे विपरीत अंजीर के लिए जमीन और वातावरण की जरूरत होती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहां एक मालिक ने अंगूर का पूरा बगीचा है और पूरे अंगूर के बगीचे में एक अंजीर का पेड़ लगाया, और लिखा है यहां पर कि वह लगातार 3 साल से आ रहा है, 3 साल से आ रहा है। किस बात के लिए लिखा है? वह अंजीर के पेड़ का फल लेने आया है। उसको अंगूर के फलों से शायद कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता है कि अंजीर का पेड़ का फल लेने वह आया है, और वो नहीं आ रहा, 3 साल से फल नहीं आ रहा। तो वह और एक भूमिका है, वो है दाख बारी का रखवाला। वो रिक्वेस्ट करता है कि मालिक इस बार और आप रहने दीजिए, क्योंकि मालिक ने बोला काट के फेंक दे इसको, क्योंकि ये फल नहीं दे रहा, काट के फेंक दे। हमने पढ़ा कि कुल्हाड़ा जड़ पे रखा है, जो फल ना दे उसे काट के फेंका जाएगा। सो ये पेड़ को, अंजीर के पेड़ को उखाड़ के काट के फेंक दे, ये फल नहीं दे रहा है। तो दाख के रखवाले ने विनती किया कि स्वामी इस साल रहने दो, मैं खत डालूंगा, पानी डालूंगा, खोदूंगा, ये साल वो फल दे तो ठीक, वरना इसको काट डालना। ये दृष्टांत हमें पता है क्या बता रहा है? या जो कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर है मालिक, दाख की बारी का मालिक, और मालिक है परमेश्वर पिता। दूसरा कैरेक्टर है दाख की बारी का रखवाला, और रखवाला है प्रभु यीशु मसीह। तीसरा कैरेक्टर है अंजीर, अंजीर का वृक्ष, और अंजीर का वृक्ष पता है कौन है? अंजीर का वृक्ष है विश्वासी, विश्वासी लोग। और चौथा कैरेक्टर है अंगूर, और अंगूर कौन है? अंगूर है संसार, अंगूर है संसार। सवाल क्या था कि क्यों लगाया अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़? सेम सवाल हमारे लिए आज है, क्या आप लोग नहीं सोचते ऐसा? क्यों जब आप देखते, दुनिया में इतने सारे पाप है, इतनी सारी बुराइयां चल रही है, आपके आस पड़ोस में ही इतने सारे गुनाह चलते हैं, पाप चलते हैं, अपराध चलते हैं, सवाल नहीं आता हमारे मन में, हे प्रभु मुझे क्यों इनके बीच में रखा तूने? ये संसार के लोगों के बीच में, ये पापियों के बीच में तूने मुझे क्यों रखा? प्रभु ने अंजीर, ये वातावरण मेरे योग्य नहीं है, ये जो संसार का वातावरण है ये विश्वासियों के योग्य नहीं है वातावरण, ये बहुत ही बुरा और पापमय वातावरण है, बहुत ही खराब वातावरण है। सो मुझे क्यों रखा, सवाल करते। लेकिन प्रभु ने रखा इस भरी संसार में, अंगूर का बगीचा ये पूरा संसार, और अंगूर के बगीचे में विश्वासियों को अंजीर के समान रखा है। बिल्कुल विपरीत वातावरण है, विपरीत परिस्थितियां है, विपरीत जमीन है, संभव ही नहीं है विश्वासी को यहां पर बैठना, खड़े रहना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालत में रखा, और पिता परमेश्वर को ये संसार से कोई लेना देना नहीं, लेना देना है हम विश्वासियों से। वो कहता है मैं तेरे घर आया, मेरे घर आया, हम सब विश्वासी घर में आया, भाई साहब मुझे फल चाहिए, फल चाहिए। कब से आ रहा है? बोले 3 साल से आ रहा हूं। क्या आपने कभी नोटिस किया आपके जीवन में परमेश्वर कितनी बार आके दस्तक दे रहा है, एक चीज लेने आया है, पता है क्या? नहीं, पैसा नहीं, फल, फल लेने आपके दरवाजे पर। भाई साहब मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या तेरे जीवन में फल लगा हुआ है? हम बोलते
प्रभु मुझे आपने कहा रखा है संसार के अंगूर के बीच में, ये तो बहुत ही खराब है, ये है वो है, और इसके बीच में मैं कैसे जीऊ, कैसे रहू, कैसे फल दू। तब भी बोले तुझे फल देना ही पड़ेगा, चाहे वातावरण जमीन विपरीत हो, फल देना पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो काट के फेंका जाएगा। मेरे प्यारो, प्रभु ने अवसर दिया इस बुरे वातावरण में, बुरे संसार में, अंगूर के समान ये बगीचा है, इसके इसमें बीच में मौका दिया है हमें कि हमें फल देना ही है, और सिर्फ हम बचे हुए तो पता किसकी वजह से, वो रखवाले की वजह से, यीशु की वजह से, जिसने हमारे विषय में बहुत बड़ी बात कही है कि इस साल ये फल देगा, इस साल ये फल देगा। जी हाँ, मेरे बारे में और आपके बारे में प्रभु ने सोच के रखा है, इस साल फल देगा। यीशु हम पर मेहनत कर रहा है इसलिए हमें फल देना होगा। आइए अपनी जड़ों को मजबूत करें, वातावरण कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ेंगे तो फल कहां से देंगे। इसलिए लिखा है कुल्हाड़ा रखा हुआ है, हम मरने के लिए नहीं, हम जीवन के लिए प्रभु के पास आए। मेरे प्यारों, प्रभु में बचाना चाहता है, लेकिन एक वार्निंग है, ये वार्निंग है, अगर फल ना दे तो जड़ काटी जाएगी। मत्ती 13 में जो हम उदाहरण पढ़ते हैं बीज बोने वाले का, मत्ती 13 में बीज बोने वाले का उदाहरण पढ़ते हैं, अलग अलग किस्से पर, उन सब पर हम बात नहीं करेंगे। कुछ कुछ बीज मार्ग किनारे गिरे, कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे, कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, है ना। लेकिन एक बीज के बारे में बताया जा रहा है जो पथरीली भूमि पे गिरे थे, जो पथरीली भूमि पे गिरे थे। मत्ती 13 और उसके 20 और 21 वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती 13 के 20 और 21 वचन में ऐसा लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता। एक ऐसे विश्वासियों के विषय में बताया जा रहा है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, उसकी जमीन है पथरीली। ठीक है, आगे लिखा है, पर 21 अपने में जड़ न रखने के कारण, अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वह वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जी हाँ, बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं, तुरंत वचन सुनते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं कई चर्चेस में जाता हूँ और पूछता हूँ, किसी ने वचन दिया तो मैं पूछता हूँ, कैसा रहा आज का चर्च, कैसा रहा? अरे बहुत बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा, संदेश कैसा था आज का? संदेश तो बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, संदेश क्या था? नहीं, वो नहीं पता, पर जो भी था अच्छा था, बढ़िया था, बढ़िया था। अरे क्या बढ़िया भैया, क्या था आपको पता नहीं है, आप कह रहे बहुत बढ़िया था। बहुत सारे लोग बोलते बहुत बढ़िया था। तो कुछ ऐसे होते जो तुरंत प्रभाव में आ जाते हैं, तुरंत प्रभाव में आ जाते हैं और बहुत खुशी मंद, वाह मुझे यीशु मिल गया, मुझे प्रभु मिल गया, मुझे ये हो गया वो हो गया। हमारे चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो एक हफ्ता आते हैं दूसरे हफ्ते नहीं आते, कुछ लोग 15 दिन के लिए आते फिर नहीं आते, कुछ लोग 3 महीने के लिए आते बाद में नहीं आते। कारण उन्हें ऊपर और ऊपर की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन ये वजह है उसकी 21 वचन, अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े दिन का है। जी हाँ, जड़ नहीं तो कुछ नहीं, जड़ पकड़ना है, प्रभु में मजबूत होना है, ज्यादा परिश्रम संसार में नहीं, ज्यादा परिश्रम प्रभु में करना है। अपने में जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़े दिन का, जब वचन का क्लेश तकलीफ आती है तो छोड़ देता है। मैं एक उदाहरण बताना चाहता, मेरे साथ हुआ था। एक व्यक्ति था जो हमारे चर्च में आया था, जवान, वो बंगाली था, वेस्ट बंगाल से आया था हमारे चर्च में, और नया विश्वास था, हमने उसको सुसमाचार सुनाया, प्रभु को जानने लगा, विश्वास करने लगा, पर वो क्या बोलते, नया घोड़ा बहुत तेज भागता, ऐसा था उसका। वो बहुत प्रभावित हो गया मेरे जीवन से, मेरी सेवकाई से, क्योंकि मैं हमेशा हर हफ्ता कभी ये शहर में हूँ, कभी वो शहर में हूँ, और मुझे देखता था कि वो एवरी वीक ये भाई साहब अलग अलग शहरों में जाते हैं, इनको बढ़िया घूमने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है, लोग होटल में रुकाते हैं, ये वो सब बात से प्रभावित हुआ था। मैंने कहा सब कुछ भी नहीं हमारे लिए, तो वो प्रभावित हुआ था, और एक दिन मुझे कहता कि मुझे सेवा करना है। मैं जान गई थी इतना नया है ये, इतना नया है ये, क्यों सेवा करना चाहता है, इसको क्या वचन समझ में आया। तो मैंने उसको डिस्करेज नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये समय आपका सेवा करें, ये समय आपके सीखने का समय, सीखिए परमेश्वर का वचन, समय दीजिए, पहले प्रभु में समय दीजिए, लंबा समय दीजिए। नहीं, मुझे बस सेवा करना है, बस मुझे बस प्रभु के लिए ये काम करना है, वो काम करना है। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, 15 दिन का मैं समय देता हूँ, प्रेयर कर, उपवास प्रार्थना कर, प्रेयर कर 15 दिन, और उसके बाद प्रभु क्या बात करता है मुझे बताना, फिर मैं तुझे कुछ बातचीत करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। 15 दिन बीत गए,
15 दिन के बाद अचानक मेरे घर में एक घंटी बज जाए, टिंग डोंग। तो मैंने दरवाजा खोला तो बोला, अरे री भाई ये बहुत खुश था, अरे पास्टर साहब मुझे एक बात आपको बताना है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु ने मुझसे बहुत ही बेहतर बात किया है, मुझे एक बात आपको बताना है, प्लीज प्लीज सुनो सुनो। मैंने कहा मुझे पता था ये क्या बताने आया है, मुझे पता था ये सेवा करने के लिए तैयार हो गया है और आना चाहता है, वो थी नया, जबकि बाइबल मना करती कि नया चेला ना हो। मैंने कहा रुक रुक रुक, ठीक कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब मुझे बड़ा 15 मिनट का एक काम है मेरे घर में, मैं वो काम निपटा लू फिर मैं तुझसे बात करता हूँ, तब तक तू क्या कर, तब तक मैं एक वीडियो लगा के देता हूँ, कंप्यूटर पे एक वीडियो लगा के दिया, तू ये देख मैं अपना काम करता हूँ, 15 मिनट में मैं वापस आता हूँ और फिर मैं तुझसे बात करता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो वीडियो कौन सा चलाया मैंने, जो उन दिनों उड़ीसा में जो सता हुआ था, प्रोसिक्यूशन हुआ था, क्योंकि हमारे कुछ लोग थे, टीम थी, आज गई थी, और उन लोगों ने एक्चुअल चीजें लेकर आए थे, कैसे लोगों को टुकड़ों में काटा गया था, बहुत ही खतरनाक मामला था वो, टुकड़े टुकड़े कर दिए लोगों के, घरों को जला दिया, इंसानों को जिंदा जला दिया गया था, ये उड़ीसा का सता हो गया था। तो ये सब सीन था, पिक्चर था, और वो सब हमने दिखा दिया, वो उसको दिखा दिया। 15 मिनट के बाद मैं लौट के आता हूँ तो भाई साहब के हाव भाव बदले हुए थे। मैंने कहा हाँ भाई चलो, ये भी मूवी भी खत्म हो गई, चलो बोलो कुछ तो भी आप कहने वाले थे, आप बहुत खुश थे, कुछ प्रभु ने आपसे बात के बताने वाले थे। तो खड़ा हो गया, नहीं नहीं मैं जाता हूँ। अरे क्यों जाते हो, आप सुनाओ आपको जो कहना है। नहीं मुझे बस जाना है। नहीं नहीं आपने कुछ कहा था, आपने कहा था कि मैं, प्रभु ने कुछ बात किया 15 दिन की दुआ के बाद में, कुछ कहना है। नहीं 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 मुझे अभी कुछ नहीं कहना, बस मुझे जाना है। तो हुआ क्या, तो आदमी चला गया, चले जाने के बाद में अगले ही हफ्ते में सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने गांव वापस लौट गया और प्रभु को भी छोड़ दिया, प्रभु को भी छोड़ दिया। क्या था ये, क्या था ये, वो प्रभाव में आया था कि ये पास्टर खूब घूमते हैं, इनको बहुत खाना पीना, घूमना फिरना, सेवा ये खूब मिलता है, हैंडबिल पे नाम आते हैं, यूट्यूब पे नाम आता है, तो फिर इस पे नाम आता है, उस पे नाम आता है, ये सब प्रभाव में आ गया था। मैंने कहा भाई साहब ये सेवा नहीं, हमें इसमें कभी भी खुश नहीं होता इन सब चीजों से, ये बहुत छोटी चीजें हैं, पर वो प्रभाव में आ गया था। इसे लिखा है वचन में कि वचन सुनकर आनंद से मान लेता है, बहुत अच्छा लगता है और एक्साइटेड होके काम करना चाहता है, लेकिन लिखा है प्रॉब्लम जड़ ना पकड़ने के कारण जब वचन का सताव आता है। उसने देखा कि सेवकाई का एक भाग ये था कि पास्टर ने दिखाया, दूसरा भाग ये था जो उड़ीसा में हुआ, सेवा करने वाले को क्रूस उठाना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। प्रत्येक विश्वासी के बारे में लिखा है बाइबिल में कि जो मसीह के साथ धार्मिकता के साथ जीवन जीना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे, सताव तो आएगा, और वो सच्चाई से वो अनजान था, और जब समझ में आया कि ये भी एक माध्यम है, सेवा में सताया जाता है, सब कुछ छोड़ के भाग गया। प्रॉब्लम ये है कि जड़ नहीं पकड़ पाया। मेरे प्यारो जड़ ना पकड़ने के कारण फल काटा जाएगा, पेड़ काटा जाएगा, हमने सुना है। आइए जड़ पकड़ने पर प्रयास करें, ऊपरी बातों से खुश ना हो कि प्रभु के पास आने पर चंगाइयां मिलती है, प्रभु के पास आने पर आशीष मिलती है। हाँ जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन यही सब का सब कुछ यही नहीं है। मसीह में जीवन जीना है तो यीशु मसीह में पकड़े रहना है। सच्चे ये भी जानना कि यीशु को ग्रहण करने के बाद तकलीफें भी आ सकती है, दुख भी आ सकता है, समस्या भी आ सकती है, बस आपको प्रभु में अंदर जितने गहरे आप प्रभु में जाओगे उतने ज्यादा आप प्रभु में प्रभावशाली बनेंगे। लोग कहते थे, प्रचार में सुनता था हमेशा कि प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास शांति है, प्रभु के पास आओगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे, प्रभु के पास आएंगे तो आपके आंसू पोछे जाएंगे, आपके साथ सब बढ़िया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरे साथ क्या हुआ, सबसे पहला काम परिवार से अलग होना पड़ा। क्या बताया जाता स्टेज पर से, कि प्रभु के पास आओगे सारे दुख दूर हो जाएंगे, दुख शुरू हो गए, यीशु के पास आया दुख शुरू हो गए, परिवार ने निकाल दिया, दोस्तों के पास गया, तकरीबन 100 के आसपास दोस्त थे, दोस्तों ने कहा ये अब हमारे लायक नहीं रहा, दोस्तों ने दूर कर दिया, मुझसे आज तक कोई संबंध नहीं रखा दोस्तों ने। नौकरियां करता था, 1 महीना भी पूरा नहीं होता था उनको पता चलता ये आदमी मसीह है, मसीह की बातें करता है, तो मुझे 15 दिन 20 दिन में ही निकाला जाता था नौकरी से, और पैसा भी नहीं मिलता था। मैं ऐसे कम से कम 17-18 काम कर चुका हूं, मतलब उस समय 1 महीना भी नहीं होता था और लोग काम से निकाल देते थे। वजह ये थी कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह की बातें करता, मसीह के नियम को पालन करता था, और मैंने स्टेज पे सुना था कि यीशु के पास आओ प्रभु सारे दुख दूर करेगा। क्या हो रहा था ये, जी हाँ ये संसार के दुखों की बात नहीं थी, आत्मिक दुखों की बात थी। मैं कहता लोगों यीशु के पास आओ, शरीर की बहुत तकलीफें होंगी आपको,
शारीरिक तकलीफें होंगी लेकिन आत्मिक आनंद मिलेगा। मैंने बहुत कुछ खोकर यीशु मसीह को पाया हूं, बहुत कुछ खोया हूं यीशु मसीह को पाने के लिए। तो ये प्रचार नहीं है हमारा कि यीशु के पास सब ठीक होगा। मैं कहता हूं यीशु के पास आओ, आपको अनंत जीवन मिलेगा, भले ही आपको तकलीफ और यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। जड़े पक्की करें मेरे प्यार, सबसे मेन बात, अगर जड़ ना पकड़ पाए तो तकलीफ, हल्की सी तकलीफ आएगी ना, हम दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएगी प्रभु से, हम लोग अलग हो जाएंगे। जड़े पकड़े रहने के लिए, जब आप जड़ पकड़ के रहेंगे तो एक फायदा पता क्या होगा, आप एक धर्मी पीढ़ी का निर्माण करोगे। मसीह में पक्का होना है तो आपके जो आने वाले बच्चे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी है, वो मसीह पीढ़ी का आप निर्माण होगा, धर्मी पीढ़ी का निर्माण होगा। अगर आपकी ही जड़े पक्की ना हो तो आप धर्मी पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकते। एक वचन पढ़ेंगे, मैं खत्म कर रहा हूं, 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं समाप्त कर रहा हूं। रोमियो 11वां अध्याय, रोमियो उसका 11वां अध्याय वचन 16 और वचन 18 पढ़ेंगे। 11वां अध्याय वचन 16 और वचन 18 पढ़ेंगे। 16 में ऐसा लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालिया भी ऐसी ही है। जड़, आज के इस युग के इस पहली पीढ़ी के विश्वासियों को परमेश्वर जड़ बनाना चाहता है। क्या आप जानते हैं, आप जड़, मैं पहली पीढ़ी हूं और मैं जानता हूं कि मैं यीशु मसीह की में जड़ बनूं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जड़ पवित्र ठहरी तो डालिया भी पवित्र ठहरी जाएगी। जड़ पवित्र नहीं है तो डालिया पवित्र नहीं होगी। हमें प्रभु जड़ बनाना चाहता है, जड़ बने, जड़ पक्की बनना है तो आने वाले पीढ़ी, जो आने वाले बच्चे हैं, परमेश्वर उनको धर्मी ठहराएगा आपके कारण। यस, आपके कारण। लूत बच गया, पता है क्यों? उसके कारण नहीं, लूत बच गया इब्राहिम के कारण, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी थी, या परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधी थी, अगर धर्मी मिल भी जाए दसवीं बचा लूंगा। दसवीं नहीं मिले, सिर्फ इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधी थी, इसलिए परमेश्वर ने लूत को बचा लिया, सदम अमोरा जला दिया गया था। मेरे प्यारो, आपके कारण, आपके विश्वास के कारण, आपके समर्पण के कारण, आपके धार्मिकता के कारण, परमेश्वर आपकी धर्मी पीढ़ी का निर्माण करेगा। क्योंकि आगे लिखा है 18वां वचन बोलता है, डालियों पर घमंड ना करना, उसके बावजूद भी डालियां पवित्र ठहरेगी, लेकिन डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। डालियां कभी भी जड़ को नहीं संभालती है, जड़ डालियों को संभालती है। मतलब आज के विश्वासी आने वाले विश्वासियों को, आने वाली पीढ़ी को संभालेंगे, आने वाली पीढ़ी को संभालेंगे, वो हमें नहीं संभालेंगे, आज की पीढ़ियां आने वाली पीढ़ी को संभालेंगी। धर्मी पीढ़ी का निर्माण होगा। मस्ती में जड़ पकड़े रहने का मतलब यह होता है कि धर्मी पीढ़ी का निर्माण होगा। कहीं ना कहीं जब हम कमजोर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे घरों से, कई ऐसे परिवार में देखा कि जिन परिवारों के मुखिया जो होते हैं, मुख्य लोग होते हैं, उन्होंने अपनी जड़ें मसीह में पक्की नहीं किया, कभी भी घर में दुआ नहीं, प्रभु के साथ चलना नहीं, ईमानदारी से चलना नहीं, और बस दिखावी जीवन जीना, उनका परिणाम यह निकला कि उनके घर के कोई भी बच्चे यीशु मसीह को नहीं जानते, गलत मार्गों में, गलत रास्ते में और गलत चीजों में चले गए, पाप में चले गए। कई सारे लोग मुझे आज भी फोन करते कि हमारे लिए दुआ करो, ये करो, वो करो, मुश्किलों में, क्योंकि उन्होंने जड़ को संभाल नहीं पाए, जड़ों को गहरी नहीं कर पाए। यीशु मसीह में अपनी जड़ें, मसीह में जड़ें पक्की करना, हमने ऐसा कुलुसियों में पढ़ा है। जांच करें मेरे प्यार, इससे पहले हम प्रार्थना करें, अपने जड़ों की जांच करें, परमेश्वर के साथ हम कैसा चल रहे हैं, परमेश्वर हमारी जड़ों की बारे में क्या क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। बाहरी रूप में ना जाए, मरकुस 11 उसके 20 में एक बात हुई थी, है ना, अंजीर, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और अंजीर के पेड़ को दिखा, दूर से हरे हरे पत्ते दिखे, तो प्रभु उसके पास गया था, एक भी फल नहीं था, प्रभु ने बोल दिया कि तुझमें फल नहीं लगेंगे, अब तुझमें कभी फल नहीं लगेंगे। पेड़ तुरंत सूखा नहीं, तुरंत सूखा नहीं, लेकिन लौटते समय जब चेले ने देखा कि प्रभु आपने कहा था ये पेड़ सूखने, आपने इसको शाप दिया, देखो ये पूरा ऊपर से ये जड़ तक सूख गया है, सूख गया है, तो ईश्वर ने बोला अचंबा क्यों करता है, अचंबा क्यों करता है तू ये पेड़ सूख गया करके, क्या कारण था इसका?
ये पेड़ कब सुखा होगा। यीशु के कहने के कितने समय के बाद पेड़ सुखा होगा, क्या लगता है आपको? मैं कहता हूं यीशु ने जिस घड़ी कहा उसी घड़ी पेड़ का सूखना शुरू हो चुका था। अंजीर के पेड़ का सूखना उसी घड़ी शुरू हो चुका था। फर्क यह था, वापस आएंगे, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर दो अलग अलग भाग होता है। जब यीशु ने उसको पेड़ को शाप दिया कि तुझ में अब फल नहीं लगेंगे, तो सबसे पहले जड़ सूखी होगी, सबसे पहले जड़। ऊपर जल्दी समझ में नहीं आया, हरे पत्ते, सबसे पहले जड़ सूखी, और जब जड़ सूखी इसी वजह से पत्ते सूख गए, पूरा पेड़ सूख गया। सबसे पहले जड़ सूख, जब यीशु ने कहा उसी घड़ी जड़ सूखना शुरू हो गया। यीशु जब कहता है चंगाई के बारे में या अन्य बातों के बारे में, वो काम तभी शुरू होता है उसी घड़ी उसी समय से। जांच करें, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि ऊपर उनको अभी भी हरियाली दिख रही है, सब अच्छा चल रहा है, जड़ सूख रही है, उनको पता नहीं है। यीशु ने जड़ को सुखा दिया है। आज घुटने टेक कर जांच कर, हमें जांचना है। इससे खुश मत हो कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, इससे खुश मत होइए कि मेरा तनख्वाह अच्छे से आ रही है, इससे खुश मत हो कि हमारे घर में कोई कोविड पेशेंट नहीं है, हमारे आसपास में कोई कोविड पेशेंट नहीं है, इससे खुश मत हो कि हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है, इससे खुश मत हो कि हमारे यहाँ सब खाना पीना सब बढ़िया चल रहा है। नहीं, ये ऊपर की हरियाली हो सकती है अलग से। जड़ को जांच करें, जमीन खोद कर, आज जमीन खोदना है और जांचना है ये जड़ सचमुच हरी है या सूख गई है। फल ना देने के कारण जड़ सुखाई जाएंगी। जांच करे, ऊपरी बातों में ना जाए, भीतरी बातों में आए, बैठे जांचे मेरी लाइफ, मेरा क्रिश्चियन लाइफ कैसा जी रहा हूं। अपनी जड़ों की जांच करें मेरे प्यारों, तब उसके फल ऊपर आएंगे। कई बार जो हरियाली होती है वो झूठ मूठ की हो सकती है, पल भर में सूखने वाली हरियाली हो सकती है, लेकिन हमने पहला वचन याद करना, नाली किनारे। हमारी जगह कौन सी है? नाली किनारे, मतलब वचनों की नाली, वचन का झरना जहां बह रहा है वहां मैं रहूं, मैं फलता रहूंगा, मैं फूलता रहूंगा, यीशु मसीह की आशीष मेरे जीवन पे आती रहेगी। मेरे प्यारों, मैं आपको एक ही आज चुनौती देना चाहता हूं कि अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है ये, सबसे बेस्ट टाइम है अपनी जड़ें मजबूत करना। अगर समस्या है, मैं कई समय सोच रहा हूं कि अपने आप को मैं थोड़ा अलग करूं, फोन बंद कर दूं, घर से अलग हो जाऊं 5-6 दिनों के लिए और प्रभु के साथ एकांत में समय बिताऊं, सोचूं, पूछ प्रभु तू क्या चाहता है, अपनी जड़ों की थोड़ा जांच करूं, प्रभु चाहता है क्या। मैं बहुत जल्द करने वाला हूं, इस पर एक्शन लेने वाला हूं। आप भी सोचिए, अगर आपको लगता है, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में ले चलिए। थोड़े टाइम के लिए फोन बंद कर सकते कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ऐसा करता था पहले, बाहर को लॉक कर दो, घर से बाहर लॉक कर दो, घर के अंदर बैठ जाओ, कोई किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। फोन बंद कर दो, अपने आप को अलग करो संसार से, लोगों से, और प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताओ, सिर्फ ये जांच करने की, कहीं ऐसा ना हो कि हमने सारी दुनिया प्राप्त कर ली और अपने ही आप को खो दिया। समय प्रभु में दे रहा है, जांच करें प्रिय प्यारो, मसीह में मेरी जड़ कितनी गहरी है। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर। पिता हम जानते हैं कि बहुत ऊपर तो हरियाली होती प्रभु, लेकिन कई बार जड़े पक्की नहीं होती। पिताजी हम प्रार्थना करते प्रभु, तूने वादा किया है कि इज़राइल फलेगा फूलेगा, याकूब फिर जड़ पकड़ेगा, तूने वादा किया है यहूदा के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, फलेंगे और फूलेंगे। हमें, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, हम वो पथरीली जमीन का बीज नहीं बनना चाहते प्रभु, जो थोड़ी देर के लिए खुश हो गया, जब वचन का सताव आया, तकलीफ आई, जीवन में यात्राएं आई, तो जड़ नहीं पकड़ने कारण उसने अपने आप को खो दिया, छोड़ दिया। आपसे निवेदन करते प्रभु, हमारी जड़ों को बहुत गहरा कीजिए, भले तुरंत फल ना लग सके, लेकिन जड़े यीशु के अंदर मजबूत होने वाली बने, वचन में मजबूत होने वाली बने, अपने आप को जांचने वाले बने प्रभु वचन के द्वारा, कि मेरी जड़ें कितनी गहरी है, मैं सिर्फ बोलता हूं या करता भी हूं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं प्रभु, मैं जाना मेरे अंदर बहुत कमियां हैं,
मुझे अवसर दे, मुझे समय दे पिता कि मैं एकांत में समय बिता के अपनी जड़ों की जांच करूं। यदि मैं बचा हूं तो उस रखवाले की वजह से, मेरे यीशु की वजह से जिसने योजना बनाई कि मैं फिर खट डालूंगा, खोदूंगा, पानी डालूंगा, इस साल ये फल दे के रहेगा। हाँ प्रभु, मुझे फल देने योग्य बना। ये संसार हमारे लायक नहीं है, ये संसार हमारे जैसा नहीं है प्रभु, लेकिन हमें तूने संसार के बीच में रखा, अंगूर के बाग में ही अंजीर को रखा प्रभु जी, ताकि हम इस माहौल में भी फल दे सके। आपने कोई काम गलत नहीं किया प्रभु जी, धन्यवाद। आप चाहते हैं, आप सोचते कि हम ऐसे हालत में भी फल दे सकते हैं। प्रभु हम फल देने के योग्य बना, हमारी जड़ों को और ज्यादा गहरी और पक्की आपके राज्य में बनाइए पिता राजा। धन्यवाद सुनने वाले तमाम मेरे बहन भाइयों को प्रभु जी, उनका जीवन मसीह में पक्का बने, मसीह में मजबूत बने पिता परमेश्वर, उनकी जड़ें और गहरी बन जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी का भी निर्माण कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद आपने हम में से प्रत्येक को छुआ है, आशीष दिया है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते राजा, सुनिए और दया के साथ कबूल कीजिए। आमीन।